क्या आपको पता है इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें और बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं और बहुत सारी दवाइयां और किटों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि इस तरीके की दवाई या किट लेने से आपको कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर ऐसी दवाई है तो हमारे दिन पर दिन आंकड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर कैसे बढ़ते जा रही है और भारत में इतना ज़्यादा क्यों मृत्यु दर बढ़ रहा है कोरोना का। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको कंफर्म ही ये बात पता होगी कि ये जो आंकड़े इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं मृत्यु के किस कारण हैं। मेरा भारत मान 100 में से 99 बेईमान, ये बात आज बहुत अच्छे से फैक्ट इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेगी, ये नहीं सोचा था कभी। आपको हम बता दें कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन और कोरोना वायरस की किट जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, उसमें बहुत बड़ा ही खुलासा हुआ है कि कुछ चंद लोग पैसों की खातिर इसे अपने घर में ऐसे ही कुछ दवाइयों से और मटेरियलों से, सिंपल मटेरियलों से तैयार कर बाज़ार में उतार रहे हैं वैक्सीन के नाम पे और किट्स के नाम पे। इसे फेक न्यूज़ मत समझिएगा। और ये जो घटना घट रही है ये उन शहरों में सबसे ज़्यादा पाई गई है जहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए जब स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम गठित कर इसकी जांच करवाई और दवाइयों की जांच करी कि दर पे दर मृत्यु बढ़ती जा रही है या पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, जब पता चला कि मार्केट में जो उतरी हुई किटों का यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को ठीक होने में समय कितना लग रहा है या अस्पतालों में इन किटों का जो परीक्षण किया गया है जिन कोरोना पेशेंटों पे वो कितनी असरदार हैं, तब जाके ये बात पता चली है कि ये दवाइयाँ नकली हैं। सोचिए चंद पैसों के लिए ये किट अस्पतालों तक पहुंच गई, कितनी बड़ी लापरवाही हो रही थी। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा ज़्यादा दिन नहीं रहता है, सारे लोग पकड़े गए हैं जहाँ ये दवाइयाँ और वैक्सीन तैयार की जा रही थी किट, वो घर और वो लोगों को पकड़ लिया गया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, यही सबसे बड़ा हमारा बचाव है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।